कुछ डिफरेंस है भी या नहीं कि सेम है दोनों, माइटोसिस और ये क्लीवेज सेम होता है क्या? माइटोसिस में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये क्लीवेज में तो मोस्टली साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। नहीं बेटा, माइटोसिस में भी साइटोप्लाज्म होता है ना बेटा, माइटोसिस में भी कैरियोप्लाज्म एंड साइटोकाइनेसिस होता है ना, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, उसमें भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसमें भी तो न्यूक्लियस बना है ना, प्रो फीमेल प्रो न्यूक्लियाई एंड मेल प्रो न्यूक्लियर हैज फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, लेट अस कंसीडर द जाइगोट एज अ न्यूक्लियस। तो उसमें भी तो डिवीजन हो रहा है ना, तो इज देयर एनी अदर डिफरेंस नॉर्मल माइटोसिस और क्लीवेज में? ओके, आई विल ओनली टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इट इज क्लीवेज जो भी होता है ना, यस, इसमें सेल का जो साइज है वो डिक्रीज होते जाता जाता। आपने अभी वो मॉर्यूला वगैरह देखा होगा, जब भी आपने डायग्राम में, आप यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक, तो आप जैसे जैसे एक से दो बनाओगे, दो से चार बनाओगे, तो सेल का साइज जो है वो छोटा 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 होते जा रहे हैं। समझ में आ गया? जबकि नॉर्मल माइटोसिस में सेल का साइज सेम रहता है, ठीक है। ये फर्स्ट डिस्टिंग्विश है बिटवीन अ नॉर्मल क्लीवेज एंड दिस। क्या बताया मैंने, इन क्लीवेज देयर इज अ डिक्रीज इन द सेल साइज, और माइटोसिस में सेम रहता है सेल साइज। अच्छा, माइटोसिस जब भी होता है, ठीक है, तो ग्रोथ भी होता है, यस, साथ में इट इज फॉलोड बाय ग्रोथ, बट क्लीवेज में ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोमियर नहीं होता, ठीक है। क्लीवेज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो क्लीवेज जो है डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है, इतना फास्ट माइटोसिस में डिवीजन नहीं होता, और यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस कुछ ज्यादा ही होता है, और क्योंकि डीएनए सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और बहुत ही फास्ट फास्ट हो रहा है, इसलिए क्लीवेज में ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होता है। इज दैट वेरी क्लियर? तो दिस आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोस नॉर्मल माइटोसिस एंड द क्लीवेज। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ओके, सो वी हैव सीन टिल क्लीवेज इन यस्टरडेज क्लास। होलोब्लास्टिक का मतलब भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लास्टोमियर डिवाइड होता है कम्प्लीटली, इसलिए हम इसको होलोब्लास्टिक बोलते हैं। फिर मैंने आपको मॉर्यूला के बारे में बताया, 32 सेल कंडीशन विच लुक्स लाइक अ मलबरी, है ना, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, मॉर्यूला बोलते हैं, इट इज लुकिंग लाइक अ मलबरी। मॉर्यूला के बाद क्या स्टार्ट होता है, गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है, सॉरी ब्लास्टुलेशन स्टार्ट होता है। मैंने आपको इसके बारे में भी कल एक्सप्लेन किया था, ब्लास्टुलेशन में क्या होता है, जो इनर मास सेल है वो एनिमल पोल पे होता है, करेक्ट है, जिसको हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते हैं, और साइड साइड में जो सेल्स होते हैं विच आर न्यूट्रिटिव सेल्स, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रोफोब्लास्ट। एनिमल पोल का अपोजिट पोल इज कॉल्ड एज एब एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जहां से एम्ब्रियोब्लास्ट से जॉइन रहता है, इन कॉन्टेक्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ रॉबर, ठीक है। तो ये हो गया ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन के बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा और कहां पर आ जाएगा, यूट्रस तक पहुंच जाएगा, और यूट्रस में आने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए नीडेशन, सो प्लीज नोट डाउन दैट अदर वर्ड ऑल्सो। तो इम्प्लांटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटराइन वॉल, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटराइन वॉल इज कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन। आपको नीट के लिए डेज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कितने डेज में क्या चीज होता है। तो इम्प्लांटेशन अप्रोक्सीमेटली 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन में इम्प्लांटेशन हो जाता है। यू कैन सी ओवर ईयर 6 to 9 days, तो अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट फिगर पकड़ेंगे तो लेट अस से 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वेरी क्लियर। सो द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन डिटरमाइंस द पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, जहां पे इम्प्लांटेशन हुआ है वहीं पे प्लेसेंटा ग्रो करता है, ठीक है।
In human being, the implantation is of interstitial type, in which embryo is buried in the uterine epithelium, which completely surrounds it. ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पर्टिकुलर पार्ट इन द थियरी ऑल्सो. पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो वो एम्बेडेड हो जाता है, अंदर चला जाता है, बरी हो जाता है इन द यूटेराइन एपिथेलियम. इज इट वेरी क्लियर? जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा बरी हो जाता है. इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? द इम्प्लांटेशन इज ऑफ इंटरस्टिशियल टाइप. इट इज ऑफ इंटरस्टिशियल टाइप. सो प्लीज नोट डाउन इंटरस्टिशियल टाइप. Can anybody explain me implantation? How I explained you? कोई explain कर सकते हैं मुझे implantation? What? How it takes place? Which are the enzymes and all? So you can see this process. Fertilization हुआ, फिर यहाँ से ये cleavage वगैरह हुआ, ये morula हुआ, ये blastulation हुआ और ये implantation हो रहा है. So implantation basically किधर होता है? In the uterine wall. जैसे implantation हो जाएगा फिर placenta formation start हो जाएगा. Yes? Tell me what I have explained you about the implantation. Who will tell me? Explain implantation कैसे होता है, वो कैसे बरी करता है embryo, बरी सॉरी वो जो ब्लास्टुला है वो बरी कैसे करता है अपने आप को यूट्राइन मेम्ब्रेन में. मैंने इसका पूरा प्रोसेस आपको बता के दिया है थियरी में. टेल मी, हु विल टेल मी? आई टोल्ड यू टू लर्न एंड कीप. यस, जस्ट ट्राई. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो इफ यू डोंट नो, इफ इट इज नॉट बाहेटेड. But at least try to tell. Bolo. Nobody is able to tell. Shall I call out the names then? Why only Akansha is telling every time? Why only Akansha? What about other childrens? All are sleeping or what? All are sleeping. So this is how you are going to appear for the NEET exam. Yes? Every time you are neutral. Shlok. Shlok Andhale. Unmute yourself. Implantation. Look, what is this voice coming from? Vedant Bade. Vedant Bade, unmute yourself. Vedant Bade, unmute yourself. I'm noting down all your name, huh? Vedant Bade, Shlok Andale. Sandesh, 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 unmute yourself. Sandesh, tell me implantation. Explain me implantation.
fast. Say yes or no. Wait, I will request madam only to remove all of you. Oh, Pratibha ma'am. Pratibha madam. Just a second, wait. I will call her. हाँ मैम मैं सुन रही थी, माइक ऑन नहीं हो रहा था. मैम सुनिए ना, वेदांत बड़े, हाँ संदेश और और वो जो बच्चे हैं ना इनको आप रिमूव कर दीजिए. हाँ इन तीनों को आप रिमूव कर. मैटरनल ब्लड बाथ फीटल कोरियोनिक विलाय डायरेक्टली. प्लीज नोट डाउन. मैटरनल मीन्स मदर्स ब्लड. मदर का ब्लड जो है इट बाथ फीटल कोरियोनिक विलाय. कोरियोनिक विलाय मतलब अभी जो हमने विलाय का बात किया ना, दैट इज कोरियोनिक विलाय. And non-deciduous and metadiscoidal. Okay. In simplest type of placenta, six barriers separate maternal blood from the fetal blood. Three barriers are lost in the human placenta. So, ये सब जो भी points मैं आपको लिखा के दिख रहा है आपको screen पे, please note down. All the points are very very important for the placenta. Next, umbilical cord. Umbilical cord is the flexible cord-like structure which is connecting the fetus at where navel with placenta, containing arteries and veins. तो उसके arteries और veins को हम क्या बोलेंगे? Umbilical arteries and umbilical vein. Yes, that will nourish the fetus as well as remove the waste. Okay, now जो भी ब्लड वेसल है आर्टरी अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, इट इज बीन सराउंडेड बाय वॉटर्स जेली. प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन. दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट विच इज नॉट बीन देयर इन योर बुक. यस. Now, placenta is supplying oxygen nutrients that we have already seen. Placenta is acting as an endocrine system and it is releasing hormone like the HCG. What is the full form of HCG? It is a human chorionic gonadotropin hormone. Saath mein HPL, human placental lactogen. Again, estrogen and progesterone. Matlab total char hormones are secreted by this temporary endocrine gland that is the placenta. Isme se jo first hormone ka naam humne bataya hai HCG, ye HCG urine test mein confirm kiya jata hai, hai na? Urine se pregnancy confirm kiya jata hai. You must have heard, as I've told you in the normal lecture also. आजकल जो यूरिन किट मिलता है, प्रेगनेंसी किट जिसको हम बोलते हैं, जैसे प्रेगा न्यूज वगैरह हो गया, तो उसमें यूरिन के ड्रॉप्स डालने पे प्रेगनेंसी कंफर्म होता है. तो वो किसके वजह से कंफर्म होता है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन. अगर प्लेसेंटा रहेगा तो ये हार्मोन रहेगा, है ना, और वो यूरिन में ऑब्वियसली ये हार्मोन विल बी सीन. तो दैट किट इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्मोन दैट इज द एचसीजी. ठीक है, एचसीजी है मतलब प्रेगनेंसी है, और एचसीजी नहीं है मतलब प्रेगनेंसी नहीं है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज, ये चार हॉर्मोन्स हैं दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द कंसेप्शन दैट इज अ प्रेगनेंसी. बाद में द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. सो please note down all the name of the hormones. So you can see about the, ek minute, huh?
So you can see this is embryo. You can see ये finger like projections है. Yes, these are the chorionic villi. This is the umbilical cord. ठीक है. Yes, umbilical cord में भी you can see अभी ये part में भी अगर आप देख सकते हो कि it has been mentioned over here. There are two portion, one contributed by the mother side and one contributed by the fetal side. The one which is contributed by the maternal portion of placenta is called as a decidua basalis. Please note down. जो part placenta का mother के side में है, mother's portion of placenta is called as a decidua basalis. And fetal का side को हम क्या बोलते हैं? Chorionic बोलते हैं. Chorionic. Fetal portion of placenta is called as a chorionic. You can see the yolk sac, which is बाद में reduce हो जाता है. You can see the presence of this allantois. ठीक है, ये chorionic membrane है, ये amnion है, इसके अंदर amniotic fluid है. So 9 महीने तक बच्चा amniotic fluid के अंदर ही रहता है. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ I just wanted to mention about the placenta. और भी काम बहुत सारा है, हमने अभी पढ़ा रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन. यस, इसके साथ साथ आप एक और लिख सकते हो कि इट आल्सो एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन. प्लेसेंटा स्टोर्स ग्लाइकोजन, फैट एक्सेट्रा. ठीक है, प्लेसेंटा ग्लाइकोजन और फैट को भी स्टोर करता है. ऐसा क्यों? बाय चांस अगर मदर स्टार्वेशन में है, मदर अगर कुछ खा नहीं पा रही, अगर एकदम स्टार्वेशन में है, उसका फास्टिंग चल रहा है, इफ बाय एनी कंडीशन, तो बच्चे को एनर्जी मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए प्लेसेंटा रिजर्व के लिए, रिजर्व मटेरियल के लिए ग्लाइकोजन एंड फैट को स्टोर करके रखता है. तो इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसेंटा वी नो दैट इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर आल्सो. बैरियर का मतलब है रुकावट, मतलब कोई भी चीज मदर के बॉडी से फीटल के बॉडी में नहीं जा सकता. कोई भी चीज मदर के ब्लड से, इनफैक्ट आई कैन से मदर के ब्लड और फीटस का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी नहीं रहता है. यस, और इसके लिए हमने ये भी पढ़ा था ना, दैट इज आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्लेसेंटा कभी भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता. यस, and it is acting as a barrier. Yes, next you can also write down about the word teratogens. Iske bare mein bhi hamesha most of the times questions pucha jata hai, so please note down about the teratogens. T E R A T O G E N S, teratogens. So what are teratogens? You can put a dash and write down. They can be virus or some chemicals or drugs. Okay, teratogens can be anything. It can be a virus, it can be chemical, or it can be a drug that causes abnormal development in the developing embryo or the fetus. So please note down, teratogens can be some drugs or it can be chemicals or some viruses which causes abnormal development in the embryo. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको टेराटोजिन का दूंगी जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नोन्ड है. एग्जाम्पल लिखो, सिंथेटिक टेराटोजिन एग्जाम्पल ड्रग है ये, एक थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड इज अ ड्रग, टी एच ए एल आई डी ओ एम आई डी ई. थैलिडोमाइड इज अ ड्रग, सिंथेटिक ड्रग विच इज कॉजिंग मल्टीपल डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो. Yes,
सो टेराटोजेंस के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है. You can see this diagram and the things will be much more clear. You can see the umbilical artery, umbilical vein, and pura mila ke hum umbilical cord bolte hain. This is the amnion. See how you can see the crypts and you can see the finger like projections and the crypts also. Okay. Now during pregnancy, the level of other hormones like the estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in the maternal blood. So please note down all these hormones. Progesterone, तो no doubt it's a pregnancy hormone, वो तो रहना ही चाहिए. प्लस उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब का भी लेवल एकदम हाई रहता है. इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप विल बी गैस्ट्रुलेशन, है ना. गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स. थ्री जर्म लेयर्स बनते हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म. अब ये जब तीन लेयर बन जाएंगे तो हर एक लेयर को कुछ ना कुछ काम है कि टू फॉर्म सम और अदर थिंग, है ना. जैसे कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है ये आपको पूरा याद करना ही होगा. देयर इज नो ऑप्शन फॉर दैट. इन योर टेक्स्ट बुक अच्छे से एक फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर का एक पैराग्राफ ही दिया गया है. तो देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू मग अप दैट कि एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है और एंडोडर्म से क्या बनता है. सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. एक्टोडर्म से स्किन, म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स, चीक्स एंड ऑल फॉर्म, एनल केनाल, ग्लैंड्स पेनिस, लेबिया मेजोरा माइनोरा इन गर्ल्स, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें भी एक्सोक्राइन में भी कौन से ग्लैंड्स, एंडोक्राइन में कौन से ग्लैंड्स, लेंस ऑफ आईज, नर्वस सिस्टम इज बीन फॉर्म बाय द एक्टोडर्म. सो ये आपको ऐसे के ऐसे ही पूरा याद करना है. मेसोडर्म से क्या क्या फॉर्म होता है, जस्ट हैव अ लुक. मेसोडर्म से क्या क्या बनता है, टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, एडिपोज टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, टीथ, ओवरीज, टेस्टीज. Just have a look. Yes. And lastly, by the endoderm. This you are having with you also. Therefore, I'm going fast. इसमें कुछ explanation type है ही नहीं. It is just you have to learn. Like that only. ठीक है. तो तीन जर्म लेयर बनते हैं और तीनों से अलग अलग ग्लैंड्स या ऑर्गन्स बनता है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी होते हैं. कौन कौन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं? कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज एंड योक सैक. चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं. यस, विच आर दैट फोर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब जो एम्ब्रियो से एक अलावा भी जो मेम्ब्रेन होते हैं. ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने? कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज, योक सैक. कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज, योक सैक. ठीक है, कोरियन तो अभी आपने डायग्राम में देखा, इट इज अ कम, इट इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो. हाँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम ही क्या है? प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, यही काम होता है. तो कोरियन क्या कर रहा है? इट इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो एंड इट इज प्रोटेक्टिंग इट. एमनियन, हमने देखा कि एमनियन से एमनियोटिक कैविटी बनता है और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या होता है? इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर और बच्चे को डेसिकेशन से बचाता है, सूखने से बचाता है. ठीक है, एलेंटॉइज, ह्यूमन में एलेंटॉइज बहुत ही छोटा होता है और नॉन फंक्शनल होता है.
इट इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग. सिर्फ एक ही काम अभी तक नोट किया गया है फॉर एलेंटॉइस, इट इज सप्लाइंग ब्लड वेसल टू द प्लेसेंटा. वैसे योग सैक की भी बात है, योग सैक इन ह्यूमन बीइंग इज नॉन फंक्शनल, सिर्फ अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत उसका काम रहता है, बाकी योग सैक इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल इन द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर वन मोर दिस थिंग. प्लीज नोट डाउन द डेज, प्लीज नोट डाउन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड, प्लीज नोट डाउन द डेज, जस्ट अ मिनट, आई विल मेक इट फुल स्क्रीन. You can see the stages and you can just note down the days, or you can just by heart it also. What do you mean by pluripotent? Stem cells are pluripotent. Pluripotent matlab they can be distinguished into any types of cell, therefore called as a pluripotent. Pluripotent ko hi hum totipotent bhi bol sakte hain. Okay, you can see over here all the membranes. You can see this is the myometrium, umbilical cord, deciduous bacillus, allantois, chorion, uterine cavity. The terms to remember I will give you afterwards. So again we will go back to that particular PPT. Now next is the parturition and the lactation. ठीक है, parturition का मतलब क्या होता है? Normal delivery को हम क्या बोलते हैं? Parturition बोलते हैं. Normal gestation period कितना होता है? Gestation period का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम जेस्टेशन बोलते हैं. ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम जेस्टेशन बोलते हैं. तो ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? 9 मंथ प्लस और माइनस 7 डेज. 9 मंथ प्लस और माइनस 7 डेज इज कॉल्ड एज अ जेस्टेशन पीरियड इन द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, सो जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है? पार्चुरेशन होता है. पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? That is a normal delivery or the ejection of the child from the birth canal is called as the parturition. It is induced by the complex neuroendocrine mechanism, you know, involving many hormones like the cortisol hormone, estrogen hormone, and the oxytocin hormone. Powerful contraction of the uterus in labor are needed for the parturition. What are the stages? First stage, second stage, and the third stage. First stage में dilation होगा. Dilation का मतलब है widening of cervix. Second stage में delivery of the baby, and third stage में removing of that placenta and the umbilical cord. Okay, you will tell me who decides when to come. Is it the mother or the child? Who decides when to come? Baby. Very good. How the baby decide, beta? Ma'am, wo signal pass hote hai, hormone secrete hote hai. Which hormone is secreted by the baby's body? कौन सा hormone secrete होता है? कैसे बच्चा signal देता है माँ को कि मुझे बाहर आना है? वो बोलता है कैसे सिग्नल देते हैं? हार्मोन रिलीज होता है. हाँ, बच्चा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है?
वेरी गुड ए सी टी एच वेरी गुड सो आई विल टेल यू वंस अगेन अ फुल ग्रोन मैच्योर फीटस फुल ग्रोन मैच्योर फीटस सिक्रीट्स ए सी टी एच हॉर्मोन ACTH hormone, we know that it is secreted by the pituitary gland. So, obviously, it will be secreted by the pituitary gland of the baby. Ab ye jo ACTH hormone hai, yes, it is released from the, releases the corticosteroid hormone from its adrenal gland. Ab ye jo hormone hai, ye placenta ko cross karega. और वहीं पे जाके एक्यूमुलेट होके रहेगा मदर्स ब्लड में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है ये जब मदर के प्लेसेंटा में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है तो इट गिव्स द सिग्नल टू द मदर्स बॉडी एंड वी नो दैट कि एक दूसरे से हार्मोन कैसे कम्युनिकेट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल या जब भी एक हार्मोन कम होगा या जब भी एक हार्मोन बढ़ जाएगा तो दूसरा हार्मोन अपने आप कम हो जाता है ना. सो हार्मोन्स का सिग्नल ऐसे ही होता है कि जब एक हार्मोन पिक्चर में आएगा तो दूसरा हार्मोन अपने आप कम हो जाएगा. तो जैसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्लेसेंटा के यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा. यस या फिर यू कैन से प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. अब जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया है इट विल गिव सिग्नल टू द मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड और मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत ही ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करने लगेगा. वी नो दैट ऑक्सीटोसिन इज द बर्थ हार्मोन है ना. इट स्टिमुलेट्स द यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ठीक है. तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया ब्लड में तो क्या हो जाएगा मदर का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा उसमें उसके फोर्स को इंक्रीज करेगा मतलब फटाफट करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन. ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कराएगा. तो जब दोनों भी हॉर्मोन एकदम पीक पे रहते हैं दैट टाइम द delivery take place. So that is what is called as a parturition. ठीक है. So यहाँ पे देखो दिया है fetal effection reflex induces oxytocin release. ठीक है. So gestation period जो अभी मैंने आपको बताया था that is 9 months plus or minus 7 days. So if we calculate two ways, there are two ways of calculation. When we calculate the gestation period is 280 days is calculated from the time of last menstruation. अगर last menstruation को अगर हम पकड़ के count करेंगे तो 280 days होता है और अगर fertilization से count करेंगे तो 266 days होता है. ठीक है. After parturition, no doubt, the next gland which will be activated is the mammary gland for lactation. है ना. So लैक्टेशन के लिए अगेन द मदर्स का पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोलैक्टिन हार्मोन विल बी सिक्रीटेड एंड इट विल रिलीज इट विल स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड उसमें भी जो लैक्टिफरस ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करेगा एंड द मिल्क इजेक्शन विल टेक प्लेस. द फर्स्ट मदर मिल्क इनिशियल फ्यू डेज मदर मिल्क इज कॉल्ड एज अ कोलेस्ट्रम एंड दिस कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज. ठीक है. या एंटीबॉडीज क्यों रहता है सो एज टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम एनी ऑफ द इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. यू कैन सी ओवर हियर द जेस्टेशन पीरियड्स ऑफ ऑल द एनिमल्स आल्सो. सो जो भी ये है यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट आल्सो.
मैंने आपको हिस्टरेक्टॉमी वगैरह लिखा के दिया था ना बेटा। ये लिख के हो जाएगा। तो जस्ट आई वांटेड टू गिव यू सम मोर टर्म्स, एक दो है बस, यू कैन जस्ट नोट डाउन दैट आल्सो। इसके साथ साथ यू कैन राइट डाउन नियोनेटी, नियोनेटी NEONATE, नियोनेटी का मतलब न्यूली बॉर्न इन्फेंट। आपने देखा होगा ना जो पेडियाट्रिशियन होते हैं उनके बोर्ड पे लिखा रहता है डॉक्टर के इस पे, नियोनेटल। नियोनेटल का मतलब है न्यूली बॉर्न इन्फेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको नियोनेटल बोलते हैं हम, या नियोनेट बोलते हैं। मंकी का भी चाहिए तो लिख लो, इसमें मंकी नहीं है ना। मंकी का 164 जेस्टेशन पीरियड होता है, मंकी का और स्पेशली रीजस मंकी 164 डेज होता है। ट्विंस तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, फैटर्नल ट्विंस एंड द मैटर्नल ट्विंस, है ना। फैटर्नल ट्विंस का मतलब क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जो दो अलग अलग स्पर्म से बच्चे तैयार होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फैटर्नल ट्विंस। मैटर्नल ट्विंस का मतलब होता है जिसको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं या फिर आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, जो एक जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड होने से बनता है। जब एक जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड होता है तो जेंडर भी सेम होता है और दिखने में भी सेम होते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज सेम ना। जबकि फैटर्नल ट्विंस दो अलग अलग स्पर्म ने दो अलग अलग एग को फ्यूज किया है, तो वो कंडीशन में या तो सेम दो गर्ल्स भी हो सकते हैं, दो बॉयज भी हो सकते हैं, या फिर एक गर्ल एंड बॉय भी हो सकते हैं। इतना लिख के हो गया सबका? Now you can see these terms. Acrosome आपको पता ही है, after birth, amniotic sac also you know, blastocyst also you know, cervix, clitoris, coitus. Conception, all these terms you all already know. Just have a look over here, the terms foreskin, fraternal twins, just now I mentioned about the fraternal twins, Leydig cell, LH hormone, miscarriage, yes. Orgasm, the peak of sexual excitement when the male ejaculates semen. All these terms are well known for y'all. Placenta, we have just now seen, pregnancy, pregnant, progesterone. Again, all these terms are well known to you. Now, these are the important things which you should know. So either you can take the screenshot of the same and you can see afterwards also. So how much sperm is produced by each day by the human
मेल. अगेन ओगोनियल इज कंप्लीटेड बाय 25th वीक ऑफ फीटस एंड नो ओगोनियास आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. Sperm entering into the ovum stimulates MPF. M phase promoting factor, NF phase promoting factor for completion of meiosis II. So during spermatogenesis, all these things. Please, have you all taken this part screenshot? So I will scroll down and you can take the next also. Have you all taken the screenshot of this particular page? Yes, ma'am. Okay, now take this part also. Okay. These are the questions, I think so. Take this screenshot. ठीक है मैम. हाँ बेटा नीचे का दिखाओ ना. दैट वाज क्वेश्चन बच्चा. दिस आर द क्वेश्चंस. ये वाला बोल रहे थे. हाँ मैम लिया लिया. ओके. So next class may we will be seeing about the reproductive health, which is the next lesson only, or else we will first solve the questions. Okay, again I request all of you, it is a request only from my side, okay, please solve the questions. Taking all these things into consideration, try to solve the questions so that अभी पूरा questions लेना is very difficult. जो भी आपको doubt